नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। जैसा हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि कैंसर सेल्स केवल तभी बचे रह सकते हैं जब आप उन्हें रहने के लिए उन्हीं के पसंद का एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जिसमें वो बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम उन्हें कब का खत्म कर देता। ये जान के आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम सरेंडर करने पर मजबूर हो गया और आपकी बॉडी एक कैंसर प्रमोटिंग मशीन में बदल गई। हर किसी को तो कैंसर नहीं हो जाता, तो मतलब जिनकी बॉडी में कैंसर डेवलप हो रहा होता है उनकी बॉडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से स्ट्रगल जरूर कर रही होती है जिस वजह से वो कैंसर बनाने पे मजबूर हो गई। अगर सीधे शब्दों में इसका जवाब दिया जाए तो कैंसर एक ऐसे शरीर का नतीजा है जो कि या तो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है या फिर टॉक्सिक है, जिसकी वजह से उसके शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया या सही से अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ पा रहा है। और ये वही फैक्टर्स हैं जिनसे आप हर रोज डील करते हैं, आपकी डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ। सुन के विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन यही सच्चाई है और मैं अपने आने वाले वीडियोस में इसको प्रूव भी करूंगा। आपके लिए अच्छी डाइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक 2017 की स्टडी में ये बताया गया है कि जिन लोगों को पहली बार उनके डॉक्टर से कैंसर डायग्नोसिस मिलती है उस टाइम पे 50% से ज्यादा लोग न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होते हैं। सिर्फ यही नहीं, कैंसर पेशेंट्स के लिए भी सही डाइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक स्टडी में यह कहा गया है कि 40% से ज्यादा कैंसर के मरीज कैंसर से नहीं बल्कि मैलन्यूट्रिशन से मरते हैं। जी हाँ, तो आपको ये देख के समझ आ ही गया होगा कि सही डाइट और न्यूट्रिशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर होने के पीछे। मतलब हम अपनी बॉडी को खाना तो दे देते हैं लेकिन शरीर को चलाने के लिए वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा नहीं कर पाते जिसकी उन्हें जरूरत है, जिस वजह से वो कैंसर के रूप में आ जाता है। शॉकिंग राइट? लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो ये इतना शॉकिंग नहीं लगेगा क्योंकि इसकी वजह हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से हमने पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, फूड एडिटिव्स और ऐसे ही कई अलग अलग केमिकल्स के यूज़ में इंक्रीज देखा है और इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर और यूज़ किया जाता है जिसकी हमारी ह्यूमन बॉडी को आदत नहीं है। सिर्फ यही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 80,000 केमिकल्स ऑलरेडी कमर्शियल यूज़ में और हर साल कुछ 2,000 नए केमिकल्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में भी फार्मिंग में या फूड प्रोसेसिंग या एनिमल मैनेजमेंट में बदलावों की वजह से खाने के न्यूट्रिशनल कंटेंट में कमी हो गई है। सिर्फ यही नहीं, खाने को ज़्यादा पकाने की वजह से या सही ना पकाने की वजह से भी खाने में न्यूट्रिएंट्स की केमिस्ट्री चेंज हो गई है। और तो और, हम फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो ले रहे हैं लेकिन विटामिंस, एंजाइम्स, मिनरल्स जैसे क्रिटिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने डाइट से मिस कर रहे हैं जो सिर्फ एक अच्छी भरपूर डाइट से हमें मिल सकती है। जब हम अपने शरीर को ऐसी चीज़ें लंबे समय तक खिलाते हैं जिसे हमारा शरीर नहीं पहचान पाता, तब हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है और हमारी बॉडी पे बीमारी हावी हो जाती है। इसीलिए अगर आपको अपने लिए कैंसर का रिस्क कम करना है, या फिर अगर मैं उन लोगों की भी बात करूं जिन लोगों ने अपना कैंसर पूरी तरीके से ख़त्म भी किया है बिना ट्रीटमेंट के, उन्होंने भी डाइट को सबसे महत्वपूर्ण साथियों में से एक बनाया है। डाइट इतनी पावरफुल है कि अनगिनत लोगों ने सिर्फ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर ही स्टेज 3 और स्टेज 4 वाले कैंसर तक को मात दी है। आज की डेट में आपकी बॉडी परेशान है और इसको आपका सहारा चाहिए और एक अच्छी डाइट के जरिए ही उन सेल्स को वो सारी शक्ति मिलेगी जिससे वो आपके बुरे या म्यूटेटेड सेल से लड़ सकती है। इनफैक्ट आपके अंदर मौजूद सुपर डिफेंसेस के काम करने के लिए आपको बहुत सारी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आपको कोई मैजिक बुलेट या मैजिक पिल मिल जाएगी जिसे खाकर आप कैंसर को हरा देंगे। जब आप सही टाइम पर सही मात्रा में हर रोज सभी सही न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे तब कहीं जाकर आपकी बॉडी बीमारी से लड़ने वाली कैंसर फाइटिंग मशीन में बदलने लगेगी एंड ये आपको टेस्ट और चेकअप में भी दिखाई देने लगेगा। इसे प्रॉपर केयर, प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे नेचुरल सोर्सेज के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अपने पूर्वजों की लाइफस्टाइल से कंपेयर करें तो आपको अपने आज की लाइफस्टाइल में बदलाव का एहसास होगा। कैंसर होने में और रोकने में आपकी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या बहुत सिगरेट पीते हैं, ये सभी इम्यूनो सप्रेसेंट्स हैं और आपके कैंसर के बढ़ने में तेज़ी से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट टोबैको कैंसर की नंबर 1 वजह में से एक है। लेकिन टोबैको के अलावा कैंसर के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपकी बॉडी एक प्रो कैंसर स्टेट में है और स्ट्रगल कर रही है। मोटापे और फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से कई अलग अलग कैंसर साइट्स के बढ़े हुए रिस्क के साथ जोड़कर भी देखा गया है, स्पेशली ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर। सिर्फ यही नहीं, मोटापा 13 अलग अलग टाइप के कैंसर्स का रिस्क बढ़ाता है।
तो इससे आप समझ ही पा रहे होंगे कि ओवरवेट होना कितना डेंजरस है। और अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया के उस एरिया में ज़्यादा देखा गया है जहाँ पर एजुकेशन और इनकम सबसे ज़्यादा है, यानी अर्बन एरियाज में। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें। जब आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज और मूवमेंट को शामिल करते हैं, तब आप अपनी बॉडी को बढ़ने और स्ट्रांग होने का सिग्नल देते हैं, और ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी ना होने पर आप मोटापे को दावत देते हैं। सिगरेट छोड़ना, अल्कोहल कम करना, हेल्दी वेट पाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सभी कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो ओवरऑल कैंसर के घटने में मदद करती है। अब लाइफस्टाइल और फिजिकल हेल्थ की इंपॉर्टेंस तो हमने जान ली, लेकिन सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी कैंसर में फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंट है। हमारा मेंटल स्टेट, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स, एटीट्यूड हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर सकता है। अगर आप 10 बार ये बोल दें कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो 10वीं बार तक आते आते आपकी बॉडी अपने आप ही कमज़ोर फील करना शुरू कर देगी। तो सोचो आपका माइंड कितना पावरफुल है। ऐसी कई क्लिनिकल स्टडीज़ की गई हैं जो बताती हैं कि जिन लोगों का ज़िंदगी को लेकर एक पॉजिटिव आउटलुक है, जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, जिनके हेल्दी पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप्स हैं और कम स्ट्रेस में रहते हैं, उनके बीमारी होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। वो इसलिए क्योंकि हर मेंटल स्टेट के साथ एक फिजियोलॉजी जुड़ी होती है, यानी फिजिकल बॉडी पे पड़ने वाला पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट। वहीं दूसरी तरफ हम अपनी फिजिकल बॉडी के साथ जो कुछ भी करते हैं, यानी जो भी हम खाते हैं, जितना हम एक्सरसाइज करते हैं और यहाँ तक कि हमारा पॉस्चर भी, वो सीधे हमारी मेंटल स्टेट को इम्पैक्ट कर सकता है। माइंड और बॉडी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हमारा ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन और इम्यून सिस्टम, और आखिरकार हमारी बॉडी में मौजूद सभी ऑर्गन्स और सभी इमोशनल रिस्पॉन्सेज एक कॉमन केमिकल लैंग्वेज शेयर करते हैं, जो लगातार एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रेस। जब हमें स्ट्रेस होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाता है। चाहे रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का स्ट्रेस हो, जैसे मैराथन रनिंग, जिस वजह से बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते, या फिर अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस, जेलेसी जैसे नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस के क्रॉनिक स्टेट में चली जाती है। आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने के साथ साथ आपके कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इस मेडिसिन की फील्ड को साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसीलिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपनी फिजिकल हेल्थ का रखते हैं। ये सभी फैक्टर्स या तो हेल्थ को प्रमोट करते हैं या फिर डिजीज़ को। इसीलिए आपको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बस यही करना है कि आप अपने शरीर को सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहें और उन्हें टॉक्सिन से बचाकर रखें, जो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग से इंटरफेयर कर सकता है। ये सारी चीज़ें हर इंसान के लिए अप्लाई होती हैं, उस इंसान के लिए भी जो कैंसर को अपनी लाइफ में होने से रोकना चाहता है, और उस इंसान के लिए भी जिसको ऑलरेडी कैंसर है और न्यूट्रिशन के ज़रिए वो अपने कैंसर को रिवर्स करना चाहता है। अब शायद इस बात से भी काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कैंसर पूरी तरीके से डाइट, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल के चेंजेस से रिवर्स कैसे किया जा सकता है। इसीलिए मैं आज आपको पढ़ने के लिए आपकी पहली बुक रेकमेंड करता हूँ। ये बुक है क्रिस बीट कैंसर बाय क्रिस वॉक। इस बुक का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। क्रिस की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब 2003 में क्रिस को कैंसर डायग्नोस हुआ था, तब क्रिस ने कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट को मना करके वीगन डाइट, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल की मदद से अपने स्टेज 3 कोलन कैंसर को पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया था, और आज अराउंड 18 साल बाद भी बिल्कुल हेल्दी हैं। तब से लेकर अब तक अपनी वेबसाइट www.chrisbeatcancer.com के जरिए लाखों लोगों की आज हेल्प कर रहे हैं इस डिजीज़ को डाइट, लाइफस्टाइल की मदद से रिवर्स करने में। तो सोचिए, जब ये डाइट और न्यूट्रिशन की मदद से अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो क्या आपके पास वो पावर नहीं है कि आप भी ऐसे ही अपने आप को ठीक कर पाएं? सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी लोगों से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिन्होंने अपना कैंसर पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया बिना कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट लिए। इसलिए इस बुक को ज़रूर पढ़िए। जो लोग आज कैंसर से जूझ रहे हैं और जिनको लगता है कि उन पर टाइम नहीं है, उनको ये बुक जल्द से जल्द पढ़नी चाहिए। इस बुक में आपको वो सारी डिटेल्स और गाइडेंस मिलेगी जिसकी वजह से आप ऑल्टरनेट वे से अपने कैंसर को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल सबको एड्रेस किया है। आज भी अगर आप ध्यान से सोचें तो हम सबकी लाइफ में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति मौजूद है जो खुद को ठीक करना जानती है। टूटी हुई हड्डी, बच्चों की कटी हुई उंगली के फिर से जनरेट होने की एबिलिटी, इन सबसे हमें ये पता चलता है कि कुदरत के पास हमारी अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए एक शानदार प्लान मौजूद है। कैंसर होना भी इससे अलग नहीं है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा
और आप कैंसर के बारे में ऐसे ही और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिससे इन वीडियोज के जरिए कुछ हेल्प मिल सकती है तो उन्हें वीडियो जरूर शेयर कीजिए। रेस आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।